यहाँ से बांध के रखते थे और इस जगह पे यानी कि 200 बंदा शिट, यानी ये आप खड़े भी नहीं हो सकते यहाँ पे, देखें बच्चे औरतें मर्द सब इकट्ठे। बार सल्तनत आपका ओमान का कैपिटल था और ये सल्तनत सुल्तान सईद है और उसका बेटा है। जनाब सो राइट नाउ अभी हम निकले हैं जंजीबार सी पोर्ट से एंड इट्स सो नाइस टू बी हेयर एंड फाइनली ऑन द रोड्स ऑफ जंजीबार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर दारुल सलाम। सो सफ़र जारी है एंड मेरे साथ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी इन तंजानिया इन जंजीबार। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। थोड़ा सा अपना वो तारुफ करा दें। मैं, मेरा नाम गुलाम सरवर है और मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, मैं आई एम रियली प्राउड टू बी योर होस्ट इन जंजीबार। अभी हम जाएंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लुकमान करके एक रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी फेमस है पूरे जंजीबार में, जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो वहाँ पे लाइक करते हैं जो कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर लेना, आपको वो जगह पे लेके जाओ। अच्छा अगर हम ये कहें कि जंजीबार जो मतलब अगर हम एरिया के हिसाब से नंबर्स में नहीं जाते, एरिया के हिसाब से आपने कराची देखा है? कराची मैंने देखा। तो कराची इक्वल टू जंजीबार इन द इन टर्म्स ऑफ एरिया इक्वल हो सकता है? अल्लाह हू अकबर, कराची में से तो कितने जंजीबार निकलेंगे। अच्छा ये तो एक छोटा सा आईलैंड है ना। अच्छा तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट कितना टाइम लगता है हमें जाते हुए? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट्स अबाउट 10 किलोमीटर समथिंग लाइक 8 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ जो। मतलब अगर हम सी व्यू से टूल प्लाजा तक जाएं तो जंजीबार खत्म हो गया। या जंजीबार खत्म हो गया, ठीक है ठीक है। अच्छा दूसरी एक चीज, इन्होंने मेरे पासपोर्ट क्यों लिया और स्टैंप क्यों मारा? ये जब आप आए आपको पासपोर्ट दे दिया वापस? दे तो दिया लेकिन स्टैंप मारा। लेकिन स्टैंप मारते हैं वो क्योंकि जब आप एंटर होते हैं ना वो स्टैंप जरूर लगाते हैं कि आप तंजानिया से, यानी तंजानिया का ये पार्ट है, ये जंजीबार जैसे पार्ट ऑफ तंजानिया, लेकिन क्योंकि यहाँ जैसे आज़ाद कश्मीर है हमारा, वहाँ की पार्लियामेंट वहाँ का प्रेसिडेंट सब कुछ अलग है, उनका फ्लैग झंडा, इसी तरह ये यहाँ पे है। अच्छा तो लेकिन करेंसी सब कुछ वही है। तो ये जब आप आए हैं तो इन्होंने आपको एंट्री दी है, एंट्री मारी है ना जी। एंट्री की स्टाम्प अभी जब आप जाएंगे तो एग्जिट भी आप जरूर लगवा लेंगे। अच्छा वो भी आपको, क्योंकि हम मोशी में थे जो कि दूसरा टाउन है, वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। नहीं, हालांकि वहाँ से भी मैंने फ्लाइट ही ली थी। वो पूरा मेनलैंड है ना, मेनलैंड ये तो एक आइलैंड है जो कि इनका अलहाक इनकी आज़ादी के फौरन बाद हो गया था, ठीक है। तो इसलिए जब आप आते हैं तो यहाँ आपको जो है वो स्टॉप देते हैं एंट्री की और एग्जिट की भी, ठीक है। मतलब पासपोर्ट लाजमी है, बिल्कुल। हाँ जी चलें जी, थैंक यू सो मच। एंड अभी हम थोड़ा सा नाश्ते, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ताकि वो टाइम भी हम बचा सकें और थोड़ा सा हम एक दिन को जितना बेहतर हम यूज़ कर सकें इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, एंड वी विल अपडेट यू आफ्टर द नाश्ता। इसको क्या बोलते हैं, चिकन सूप नॉर्मल से एंड पराठा? हकुना मतलब इशू आनी कोर ये जो ये स्लीव चैम्बर है बहुत कंजेस्टेड यहाँ पे, वो जो स्लेव है ना जो ईस्ट अफ्रीका से जो नीलाम करते थे ये पूरी दुनिया में अमेरिका यूरोप और दूसरे मुल्कों के लिए,
नहीं इस जगह पे ये बड़ी कंजेस्टेड सी प्लेस है, बड़ी छोटी सी जगह है। दिस इज द रियल जगह, वैसी की वैसी। इंग्लिश मिशनरी डिस्ट्रॉय यहां पे हमें दे यूज एज ए फिलेली, ये यहां से बांध के रखते थे और इस जगह पे यानी कि 200 बंदा शिट यानी ये आप खड़े भी नहीं हो सकते यहां पे। देखें बच्चे औरतें मर्द सब इकट्ठे, उस तरफ भी आप देखें ये वो स्लेव चैम्बर है। यहाँ से वो सब फिर ऊपर जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ चर्च है, वो चर्च जो बना है लिविंग स्टोन ने बनाया उस जगह पे जहाँ पे वो ऑक्शन मार्ट था, यहाँ पे वो उन्हें रखते थे फिर यहाँ से एक एक दो दो लेके जाते थे ऊपर जाके वो अरब और ये अंग्रेज वगैरह ये दूसरे ब्रिटिश और अमेरिकन आते थे उन्हें वो आके खरीदते थे और खरीद के लेके जाते थे। ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि जो फ्रीडम इनको मिला वो किस तरीके से था और उनका लीगल प्रोसेस क्या था, उनकी नेवी कैसी थी और फिर वो किस तरीके से कहाँ से पहुँच गए। इसमें डाल दें ठीक है परफेक्ट। क्योंकि ये सल्तनत ऑफ ओमान का दारुलखिलाफा था एक टाइम पे, जंजीबार सल्तनत ऑफ ओमान का कैपिटल था और ये सल्तनत सुल्तान सईद है और उसका बेटा है, ये लोग यहाँ पर रूल करते और उन्होंने काफ़ी देर तक रूल किया है यहाँ पर। और सबसे छोटी वार जो दुनिया की गिनी जाती है 18 मीटर वो यहाँ पर हुई थी ब्रिटिश ने जब यहाँ पर आकर रूल कर लिया। So back in the car after visiting ancient slave या slavery market, अब कहाँ जाने बॉस? अभी हम मेरे ख्याल में आउट ऑफ जंजीबार यानी जो इसका बाहर का एरिया है जो बीच वगैरह है